वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस स्पिकीस कुकिंग पाठशाला में स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं सुपर सॉफ्ट रवा इडली ट्रस्ट मी गाइस ये आधे घंटे में रेडी हो जाती है आप बिना किसी तामझाम फटाफट से ये इडली बना सकते हैं ना ओवरनाइट सोक करना है दस मिनट भिगोएंगे हम इस रवा को और देखिए कितनी यमी और सॉफ्ट इडली हम रेडी कर लेंगे तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है इन्ग्रेडियंट्स तो यहाँ पे सबसे पहले Uh, मैंने लिया है एक कटोरी दही ये दही को हम अच्छे से फेट लेंगे ताकि इसके जो लम्स है इसमें ना रहें ये दही मैंने खट्टा लिया है जो हमारी इडली में थोड़ा सा खटास दे देंगी जो कि अच्छा लगता है तो यहाँ पे एक कटोरी मैंने दही लिया है और दो कटोरी मैं यहाँ पे रवा ले रही हूँ तो देखिए यहाँ पे दूसरी कटोरी रवा भी मैंने ऐड किया है रवे को मैंने अच्छे से छान लिया है इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने वन टेबल स्पून नमक लिया है अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एक ग्लास पानी ऐड करेंगे देखिए मैंने आधा ग्लास पानी ऐड किया है अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे जो सूजी है जो रवा है ये पानी अब्जॉर्व करता है तो ये देखिए यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐसा ऐड कर रही हूँ इकट्ठा अगर हम पानी ऐड कर लेंगे तो ये पतला ना हो जाए इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी तो अब हम क्या करेंगे इसे हम ढक के रख देंगे दस मिनट के लिए तो दस मिनट ढकने से ये जो हमारी सूजी है ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगी साथ ही हम ये जो इडली का हमारा साचा है इसको हम पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं तो यहाँ पे मैंने दो ग्लास पानी ले लिया है इसमें और इसे तेज़ आंच पे हम पानी उबलने तक रख देंगे साथ ही साथ हम ये बैटर देख लेते हैं दस मिनट के बाद तो ये बैटर जो है थोड़ा सा थिक हो चुका है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है आधा कप मैंने पानी ऐड किया है इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इक्वली बैटर जो हमारा है ये रेडी हो जाए अच्छा सा देखिए ये इडली जो हम बनाते हैं वैसा बैटर है थिक सा बैटर है इसी के साथ मैंने यहाँ पे आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया है आप चाहे तो यहाँ पे इनो भी ऐड कर सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे ये जो इडली के हमारे साँचे हैं जो मोल्ड्स है इसमें हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे हम अच्छे से ऑयल इसमें लगा लेंगे ताकि जब हम इडली निकालें तो इसमें ज़्यादा स्टिक ना हो और हमारी जो इडली है इजीली निकल जाए तो देखिए मैंने सारे साँचों में अच्छे से मोल्ड्स में ये ऑयलिंग कर ली है अब मैं यहाँ पे एक एक चम्मच इसमें जो हमारा बैटर है इडली वाला बैटर ये मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ट्रस्ट मी गाइज ये इडली बहुत ही टेस्टी बनती है आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इंस्टेंट इडली तो देखिए सारे साछे में मैंने ये इडली का जो बैटर है ये ऐड कर लिया है तो अब देख लेते हैं हमारा ये जो पानी है बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है ऐसे बॉइलिंग वाटर में ही ये जो मोल्ड्स हैं हमें ऐड करने हैं तो यहाँ पे मैं एक एक करके ये जो सारे मोल्ड्स हैं ये ऐड करूँगी ध्यान रखिएगा ये गरम होता है साचा तो आप ध्यान से इसे कीजिए ये बहुत ही जल्दी पक जाती है सात से आठ मिनट हमें इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है और ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट जो हमारी इडलीज है ये रेडी हो जाएगी आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए ना इसे ओवरनाइट सोकिंग करना है ना कुछ ना कुछ फटाफट से अगर आपकी इच्छा हुई है इडली खाने की या बच्चों की तो फटाफट झटपट बनाइए और तारीफ़ें पाइए तो ये देखिए यहाँ पे सात से आठ मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है ये जो हमारी इडली है ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है ये फूल भी चुकी है काफ़ी अच्छे से तो यहाँ पे मैं इसे निकाल रही हूँ और हम इसे निकालने के बाद दो से तीन मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और इजीली ये साँचे में से निकल जाए तो ये एक चम्मच की हेल्प से मैं इसे निकाल रही हूँ जो कि बहुत ही ईजी वे है इडली निकालने का देखिए मोल्ड में ज़्यादा चिपकी भी नहीं है और ये कितनी सॉफ्ट बनी है देखिए आप तो यहाँ पे हमारी इडलीज़ रेडी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माय यूट्यूब चैनल सांभर की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आ, पोस्ट कर दूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग गायज प्यार से बनाइए मज़े से खाइए ब बाय